गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, KPS की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी क्लास फोर्थ GK लेसन नंबर 23 वर्ड्स फ्रॉम नंबर्स यानी नंबर से बनने वाले शब्द, यानी वैसे शब्द जिनमें नंबर का यूज भी होता है। लैंग्वेज इज ए पावरफुल टूल टू एक्सप्रेस थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स, यानी जो लैंग्वेज होती है वो हमारे थॉट्स और आइडियाज़ और फीलिंग जो होती है हमारी, उनको एक्सप्रेस करने का एक पावरफुल हथियार होता है। इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये हम लोग जानते हैं। इट हैज़ बीन फ्लेक्सिबल इनफ टू एक्सेप्ट वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज से वर्ड एक्सेप्ट करने की बजाय ये जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी इंग्लिश जो है वो अदर लैंग्वेज के शब्दों से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। Given below are some statement in which mathematical numbers, यानी नीचे दिए गए कुछ जो statement है in which mathematical number have been used, वहाँ पर mathematical number का भी use किया जा सकता है। Write them in the given blanks, हमें इन्हें blanks में लिखना है। You may use the help box. So first one है at the last possible time, यानी अंतिम संभावित जो समय होता है, लास्ट पॉसिबल टाइम है वो 11th आवर होता है। अंतिम संभावित टाइम जो होता है वो होता है 11th आवर, यानी 11वां घंटा। उसके बाद में जो है वो टाइम चेंज हो जाता है, AM टू PM, PM टू AM, इसलिए लास्ट संभावित जो समय होता है वो होता है 11th आवर, जो 11th आवर होता है वो, तो 11th आवर जो है वो लास्ट पॉसिबल टाइम होता है। ए पर्सन हुज प्रेजेंस इज अननेसेसरी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका उपस्थित होना जो है वो जरूरी नहीं होता है, अनावश्यक होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अनावश्यक रूप से जो है वो उपस्थित है या वहाँ पर मौजूद है, तो उसे बोलते हैं फिफ्थ व्हील, यानी पाँचवा पहिया। एक गाड़ी के अंदर जो है, एक कोई भी गाड़ी होती है उसमें मैक्सिमम चार पहियों की आवश्यकता होती है, बाकी जो होता है वो अनयूज्ड या एक्स्ट्रा होता है, जिसे फिफ्थ व्हील बोलते हैं। तो वही एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जिसकी जो प्रेजेंस है वो अननेसेसरी होती है, यानी अनावश्यक रूप से होती है उसकी उपस्थिति, तो उसे फिफ्थ व्हील कहा जाता है, अगर नंबर में हम उसे बोलना चाहें तो। नेक्स्ट है ए शॉर्ट जोक, एक छोटा सा जोक होते हैं, जोक जो होता है शॉर्ट जोक, उसे बोलते हैं वन लाइनर, एक लाइन का वन लाइनर जो होता है उसे बोलते हैं शॉर्ट जोक, या शॉर्ट जोक को क्या बोलेंगे नंबर में, वन लाइनर। फोर नंबर जो है उसमें है द एबिलिटी टू नो थिंग्स विदाउट यूजिंग द फाइव सेंस, ठीक है, द एबिलिटी टू नो, यानी एक ऐसी क्षमता जानने की ऐसी क्षमता विदाउट यूजिंग द फाइव सेंस, यानी बिना, तो द एबिलिटी टू नो थिंग्स विदाउट यूजिंग द फाइव सेंस, यानी फाइव सेंस का यूज किए बिना किसी चीज़ को जानने की जो क्षमता होती है, जिसे इंस्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वो होती है सिक्स सेंस, यानी सिक्स सेंस बोलते हैं, जिस किसी चीज़ को समझने के लिए या जानने के लिए फाइव सेंस का यूज नहीं किया जाता है, या फाइव सेंस के बिना जिसको जानने की क्षमता हमारे अंदर होती है, जिसको इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं, वो है सिक्स सेंस। इंस्टीट्यूशन यानी सिक्स सेंस जो होता है उस, ये एक ऐसा सेंस है जिसके द्वारा हम जो है वो किसी चीज़ को फाइव सेंस का यूज किए बिना ही जान सकते हैं। नेक्स्ट फाइव नंबर है टू बी सुप्रीमली हैप्पी, जो एकदम अच्छे तरीके से हैप्पी होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो हैप्पी होता है उसको बोलते हैं इन सेवंथ हेवन, यानी सातवें स्वर्ग में, सेवंथ हेवन यानी सातवें स्वर्ग में, जो एकदम खुश होता है हर प्रकार से, हर क्षेत्र से, हर तरह से जो खुश होता है उसको बोलते हैं इन सेवंथ हेवन। नंबर की लैंग्वेज में अगर बोले तो है सेवंथ हेवन, यानी सातवें आसमान पे कह सकते हो या सातवें स्वर्ग में बोल सकते हो आप। फिर है वाइफ ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑफ ए स्टेट, वाइफ ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए स्टेट, यानी एक राज्य के मुख्य अधिशासी अधिकारी जो होता है उसकी वाइफ, एक राज्य का मुख्य अधिशासी अधिकारी जो होता है उसकी वाइफ को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेडी बोलते हैं, उसकी वाइफ को फर्स्ट लेडी बोलते हैं, प्रथम महिला। एक राज्य का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या
मुख्य अधिशासी अधिकारी जो होता है एक राज्य का, उसकी वाइफ क्या कहलाती है? फर्स्ट लेडी, नंबर लैंग्वेज में। सेवन नंबर जो है वो है वन हु प्लेज ए सपोर्टिंग रोल, एक ऐसा जो सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं प्ले सेकेंड फिडल, प्ले सेकेंड फिडल, ठीक है, जो एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, तो उसको नंबर की लैंग्वेज में बोलेंगे प्ले सेकेंड फिडल। ओके, नेक्स्ट है द यूज ऑफ, सेवन हो गए हैं, एट वाला जो है द यूज ऑफ एग्जॉस्टिव क्वेश्चनिंग बाय द पुलिस टू एक्सट्रॉट कन्फेशन, द यूज ऑफ एग्जॉस्टिव क्वेश्चनिंग बाय द पुलिस टू एक्सट्रॉट ए कन्फेशन, यानी टू यूज यानी उपयोग करना, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है विस्तृत क्वेश्चनिंग, यानी बहुत बड़े बड़े या एकदम डिटेल में क्वेश्चन पूछना बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, टू एक्सट्रॉट का मतलब होता है उगलवाना, ए कन्फेशन का मतलब बयान, एक बयान को उगलवाने के लिए पुलिस के द्वारा जो है वो विस्तृत क्वेश्चनिंग की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? थर्ड डिग्री, क्या बोलते हैं? थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट बोलते हैं पुलिस नंबर की लैंग्वेज में इसे। तो इसमें जो है वो बल प्रयोग भी किया जाता है, बल प्रयोग के द्वारा कोई भी जो अपराधी होता है उससे जो है वो क्वेश्चनिंग की जाती है और उससे अपराध जो है वो सच जो है, सच बयान है वो उगलवाया जाता है बल प्रयोग के द्वारा, तो उसे थर्ड डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑल अटेंशन ऑन ए थिंग, जब हम अपना पूरा ध्यान लगाकर किसी एक चीज़ पर जो है वो अटेंशन करना, वो है जीरोइंग, वो है जीरोइंग, उसको नंबर की लैंग्वेज में बोलते हैं जीरोइंग, यानी पूरा फोकस जो है अपना पूरी अटेंशन के साथ किसी एक काम पर या एक चीज़ पर लगाना, वो होता है जीरोइंग। लास्ट है डबल डीलिंग या फॉल्स, डबल डीलिंग या फॉल्स, डबल डीलिंग का मतलब हो गया दो चीज़ें डील करना, या जिसको हम फर्जी भी बोलते हैं, फॉल्स यानी जो झूठा होता है या फर्जी होता है, तो उसको नंबर की लैंग्वेज में बोलते हैं टू फेस्ड, यानी दो चेहरे वाला, ठीक है, टू फेस्ड, जो बाहर से कुछ होता है और अंदर से कुछ होता है, यानी फर्जी जिसको बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं फर्जी, तो डबल डीलिंग या फॉल्स जो है उसको नंबर की लैंग्वेज में बोलेंगे टू फेस्ड। तो ये हमारा जो लेसन था वो था वर्ड्स फ्रॉम नंबर्स, यानी नंबर से बनने वाले वर्ड, जिन वर्ड में नंबर का भी यूज होता है। तो ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, वॉच दिस वीडियो एंड रीड दिस लेसन फ्रॉम योर बुक। थैंक यू, हैव ए नाइस।